जी हाँ दोस्तों, अदा खान। अदा खान को कौन नहीं जानता, जो नागिन के किरदार में फेमस हो चुकी हैं। यह दोस्तों आइए उन्हीं के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे। एकता कपूर के पॉपुलर सुन नागिन फेम एक्ट्रेस अदा खान को उनके ग्लैमरस अंदाज के लिए जाना जाता है। वक्त के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर बढ़ते डिजिटल कंटेंट की मांग को देखते हुए अदा भी इस ओर रुख करना चाहती हैं, मगर वो बोल्ड सीन से दूर रहना चाहती हैं। इसके पीछे एक्ट्रेस ने अपनी कुछ पर्सनल वजह बताई है। टीवी एक्ट्रेस अदा ने स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो ऐसे कंटेंट में काम करना चाहती हैं जिसे वो अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर देख सकें। वो नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा काम करे जिसके चलते उनके अपनी फैमिली के सामने असहज होना पड़े। इस दौरान उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर लागू होने वाले नियमों का भी समर्थन किया। अदा खान ने इंटरव्यू में कहा, जब OTT पर भी सेंसर बोर्ड के नियम लागू होंगे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कई सीरीज में ऐसा बहुत कुछ दिखाया जाता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हालांकि कुछ शोज में ऐसे बोल्ड सीन्स की डिमांड होती है, लेकिन ऐसी सीरीज में काम करने से मैं असहज महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा के साथ बैठ कर मैं वेब सीरीज व शो देख सकूँ। ऐसे में इंटीमेट सीन्स करने पर मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। आजकल कंटेंट के नाम पर दर्शकों के सामने कई ऐसे कंटेंट परोसे जा रहे थे जिनमें बेहद इंटीमेट सीन थे। मेकर्स को लगता है कि इन्हीं के जरिए सीरीज हिट हो सकती है या फिर चल सकती है। इस बारे में अदा का कहना है कि पंचायत और गुल्लक जैसे शोज मैंने खुद अपने परिवार के साथ देखे हैं, वो काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा भी OTT पर कई ऐसी सीरीज है जिनमें इंटीमेट सीन्स नहीं है, इसके बावजूद वो काफ़ी हिट हुई। जी हाँ दोस्तों, तो अदा खान अब बोल्ड सीन्स नहीं करेंगे, तो क्या कहना है आप सभी को अदा खान के इस राय पर? क्या अदा खान को ऐसा करना चाहिए?